नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने बुधवार की रात परिसर में जमकर हंगामा किया, अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। पारा मेडिकल की एक छात्रा ने शिक्षक चिकित्सक पर छेड़खानी का आरोप लगाया, जिसको लेकर छात्र नाराज थे। हंगामे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस व अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें समझा बुझाकर शांत करवाया। गुरुवार को छात्रों ने डीएम को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। डीएम ने कहा कि निगरानी समिति जांच करेंगी, जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम रोगी कल्याण समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे थे, उसके बाद छात्र आवेदन देने के लिए पावापुरी ओपी गए। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें थाने से भगा दिया। हालांकि ओपी प्रभारी अनिता कुमारी ने आरोप को गलत बताया है। उनका कहना है कि आवेदन ले लिया गया है, जाँच के बाद FIR दर्ज की जाएगी। छात्रा का आरोप है कि बुधवार की शाम चार चिकित्सकों ने उसे मिलने के लिए बुलाया, एकांत पाकर उसके साथ गलत हरकत की। छात्रा का कहना है कि उसके साथ दो अन्य छात्राओं के साथ भी छेड़खानी की गई। इस आरोप से अस्पताल प्रशासन स्तब्ध है। चर्चा यह भी चल रही है कि छात्रा परीक्षा में फेल हो गई है, पास होने के लिए शिक्षकों पर दबाव बनाने के प्रयास में यह आरोप लगाया गया है। महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी की छात्रा हूँ, मेरा ट्रेड OT असिस्टेंट है। कल दिनांक 6/12/2023 को हम लोगों का भाईवा प्रैक्टिकल का परीक्षा था, जिसका टाइमिंग दिन में था 9 से 2। हम लोग दिन में वहां पे गए, परीक्षा दिए, उसके बाद फिर रूम आए, फिर पुनः शाम में हम लोगों को 4:30 बजे के बाद डिपार्टमेंट द्वारा कॉल करवाकर बुलवाया गया। कहा गया कि HOD सर तुरंत बुला रहे हैं, जल्दी से आइए, नहीं तो फेल कर दिया जाएगा। फिर हम लोग पहुँचे वहाँ पे, तो हम लोगों को बाहर गेट के बाहर रोक दिया गया सारे लड़कों को, और हम लड़कियों को सिर्फ बारी बारी से अंदर भेजा गया, जहाँ पे हम लोग देखे कि सभी लोग दारू के नशे में धुत थे। उन्होंने हमसे पूछा, तुम पास करना चाहती हो या फेल करना चाहती हो, तुम्हारा उतना अच्छा नहीं गया है परीक्षा। तो बोले, मैं पास करना चाहती हूँ सर। तो सर बोले कि तुम पास करेंगे, टॉप करेंगे तुमको, तो तुम मेरे लिए क्या करोगी, क्या तुम हमसे प्यार करोगी, हमसे हमेशा बात करोगी, जो बोलेंगे मानोगी, ऐसा उन्होंने बोला। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही उनके लफ्ज थे, और उनके मुंह से दारू की बदबू भी आ रही थी उस वक्त। कौन बोले थे? ऐसा बोला डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद ने, जो कि निश्चेतना विभाग के HOD हैं। फिर मैंने बोला, सर जो मैं जिसके लायक हूँ, जैसा मेरा परफॉर्मेंस रहा हो, मुझे वही स्थान दिया जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सर बोले फिर भी, लेकिन तुमको हम टॉप करेंगे। अच्छा। फिर एक और सर थे डॉक्टर निर्मल कुमार, उन्होंने कहा कि सर तुमको टॉप करेंगे, सर का आशीर्वाद लो। अच्छा। तो मैंने सर का पैर छुआ, डॉक्टर निर्मल सर का भी और डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद का भी। बस उसी वक्त वो मुझे पकड़ कर और मुझे किस करने लगे। अच्छा। तो आपने शिकायत नहीं की इसकी शिकायत हम लोगों ने रात में ही प्रिंसिपल सर के पास किया, तो उनके तरफ से आश्वासन दिया गया कि इस पे उचित कार्रवाई करेंगे और हम खुद तुम्हारा थाना में फॉरवर्ड करेंगे एप्लीकेशन, हम खुद कार्रवाई करवाएंगे। तो लेकिन उन्होंने कहा कि सुबह में आके हमको एप्लीकेशन दो रिटर्न में। तो हम लोग आज सुबह गए, लेकिन 2 घंटे इंतजार करने के बाद थोड़ी देर के लिए प्रिंसिपल सर हम लोगों से मिले। चलते चलते उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, तुमको आगे जो करना है खुद करो। अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने, मतलब कोई सुध नहीं लिया आप लोगों का? नहीं। फिर आप लोगों ने थाना में कोई आवेदन दिया? हम लोग उसके बाद थाना पहुंचे, थाना में आवेदन दिया हम लोगों ने, लेकिन थाना में भी हम लोगों को टरकाया जा रहा था, हमारा ना रिसीव किया जा रहा था, FIR भी दर्ज नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा। हम लोगों ने बहुत बोला, तो हम लोगों को पहले तो बहुत डांटा गया थाना प्रभारी के द्वारा, फिर हम लोग फिर भी डटे रहे, तब जाके हमारा एप्लीकेशन लिए और रिसीव किए। अच्छा। यहाँ पे क्या, अभी आप लोग कहाँ आए हैं? अभी हम लोग महिला थाना आए हैं बिहार शरीफ में। तो क्या यहाँ पे आवेदन दिया तो क्या बोला गया? यहाँ पे हमारा आवेदन स्वीकार नहीं किया गया, कहा गया कि आपने पावापुरी थाना में आवेदन दिया है तो अब हम नहीं ले सकते हैं, कहीं एक ही जगह केस होता है, एक ही जगह आवेदन लिया जाता है। तो आप लोग की कोई सुन नहीं रहा है? नहीं सुन रहा है कोई हमारी। महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी में ड्रेसर कोर्स कर रही हूँ, उसके बाद। तो क्या हुआ कल आप लोगों के साथ? कल वो भाईवा प्रैक्टिकल था 9 बजे से 2 बजे तक, तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद 2 बजे छुट्टी हुआ, तो उसके बाद हम रूम आए, रूम आने के बाद 4:30 बजे हम लोग को फिर बुलाया गया,
कि जल्दी से आओ, एचओडी सर बुलाया है। अच्छा। कि नंबर के लिए कौन है एचओडी? विजेंदर, डॉक्टर विजेंदर। अच्छा। प्रसाद। अच्छा। फिर बोला गया कि जल्दी से आओ, तो हम लोग गए यहाँ से जल्दी। उसके बाद सबको अलग अलग रूम में हमको बुलाया। फिर बुलाने के बाद बोला कि तुम्हारा इतना नंबर आया है, 140 में तेरा नंबर आया है, तो हम क्या करेंगे, फेल करेगी या पास करेगी? बोले हमको पास करना है, तो पास करने का कोई उपाय मेरे पास है। तो हम बोले कैसा उपाय? तो बोला कि वहाँ उधर चलना पड़ेगा बाथरूम के तरफ। अच्छा, ये बोला? हाँ। तो हम बोले क्या कि हमको पास नहीं करना है। तो आपको शक नहीं हुआ जैसा बोला? तो हम बोले कि हम उठ के आने लगे ना, तो हमको पकड़ने लगा। अच्छा। कि उधर कहाँ चलो, तो हम रोए ना, तब वो हमको छोड़ दिया। कौन थे वो? एक्सटर्नल। कौन, क्या नाम है? डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर जितेश कुमार। अच्छा। तो फिर आपने उसके बाद कहीं शिकायत की, ऐसा घटना हुआ आपके साथ? तो रात में प्रिंसिपल सर के पास किए। अच्छा। उसके बाद थाना में किए, उसके बाद काली महिला थाना आए। तो प्रिंसिपल के पास आपने आवेदन दिया, तो क्या आश्वासन मिला और थाना से? कल हम लोगों को वाइवा प्रैक्टिकल के लिए बुलाया गया था एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट से, जिसका टाइमिंग था 9 से 2। हम लोग गए, परीक्षा दिए, उसके बाद वापस हम लोग रूम आए। फिर रूम आने के बाद हम लोग के पास 4:30 बजे के बाद कॉल आया डिपार्टमेंट के द्वारा, और कहा गया कि एचओडी सर बुलाए हैं, तुरंत आइए, नहीं तो फेल कर दिया जाएगा, और नंबर के बारे में एचओडी सर को बात करना है, जल्दी से आइए आप लोग, तुरंत आइए। आप लोग गए? फिर हम लोग गए। वहाँ पे जाने के बाद सबको बुलाया गया, सारी लड़कियों को और लड़कों को भी, लेकिन लड़कों को गेट से बाहर रोक दिया गया और लड़कियों को एक एक करके अंदर भेजा गया, जहाँ पे एचओडी के केबिन में हम लोग को अकेले भेजा गया। वहाँ पे अंदर में 2 एक्सटर्नल थे और 2 टीचर थे हमारे कॉलेज के, जिसमें एक एचओडी विजेंद्र प्रसाद थे और एक डॉक्टर निर्मल कुमार। फिर वहाँ पे बैठा के बोला गया कि तुम्हारा तो अच्छा गया, तुम टॉप करना चाहती हो। मैंने बोला सर आपको जो लगता है, मेरा जैसा परफॉर्मेंस हो वैसा कीजिए। तो फिर सर ने मुझे वहाँ से उठाकर बगल वाले कमरे में ले गए। बगल वाले कमरे में एचओडी खुद डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर निर्मल कुमार थे। वहाँ पे थोड़ी देर मुझसे बातें किए, उसके बाद फिर कहते हैं हम तुमको टॉप करेंगे तो तुम मेरे लिए क्या करोगी, हमसे प्यार करोगी, हमेशा हमसे बात करोगी, अगर करोगी तो फिर हम तुमको टॉप करेंगे। ये बात कौन बोले? ये बात एचओडी विजेंद्र प्रसाद बोले। ठीक है। अच्छा। और उसके बाद डॉक्टर निर्मल कुमार ने मुझे कहा कि सर के कृपा से तुम पास हो रही हो, अब बुला रही हो, टॉप कर रही हो, तो सर का आशीर्वाद हो। अच्छा। तो मैंने पैर छुआ सर का, उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे किस करना चाहा। अच्छा। एचओडी? हाँ, एचओडी ने मुझे किस कर लिया। अच्छा। और उसके बाद मैं जल्दी से किसी तरह निकली वहाँ से, फिर सब लोगों से मिलके मैंने रात में ही कुछ देर बाद मैंने प्रिंसिपल के पास जाके कंप्लेन किया। तो प्रिंसिपल ने रात में तो आश्वासन दिया कि कार्रवाई करेंगे, कल तुम हमको एप्लीकेशन दो, रिटर्न एप्लीकेशन दो, उसके बाद कार्रवाई होगा। लेकिन जब आज हम लोग फिर से गए तो 2 घंटा वेट करवाने के बाद प्रिंसिपल हम लोग से मिले थोड़ी देर, और फिर उन्होंने कहा एप्लीकेशन दे दो और तुम लोग को अब जो करना है, जहाँ जाना है जाओ। अच्छा। अपना थाना में केस करना है जाके करो। अच्छा। तुम लोग स्वतंत्र हो। अच्छा। तो उसके बाद हम लोग थाना गए। अच्छा। तो थाना में हम लोगों की बात सुनी नहीं जा रही थी, उन लोगों को पहले से पता था। वो लोग जाते ही बोले कि तुम लोग का परीक्षा चल रहा था, तुम लोग इसलिए आया है? तो हम लोग बोले हाँ, हम लोग का परीक्षा चल रहा था। तो वहाँ की जो प्रभारी थी उन्होंने कहा तुम लोग परीक्षा में पास होने के लिए ऐसे ऐसे करता है। यहाँ पे क्या आश्वासन मिला? यहाँ पे हमारा आवेदन नहीं लिया गया, यहाँ से बोला गया कि एक थाना में आप दे चुके हैं आवेदन, तो वहीं से होगा कार्रवाई। एक ही एप्लीकेशन बार बार हर जगह नहीं दिया जाता है। अभी तक आपको न्याय नहीं मिल रहा है? जी नहीं।
हमारा एप्लीकेशन बहुत देर हम लोग रुके वहाँ पे बातें किए तो बाबापुरी थाना में हमारा एप्लीकेशन लिया गया लेकिन केस रजिस्टर नहीं हुआ है।